नवंबर का महीना शुरू हो गया है और हर महीने की तरह ये महीना भी देश में कई बड़े बदलाव लेकर आया है। पहले ही दिन जहां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा होने से बड़ा झटका लगा है, तो वहीं 1 नवंबर से बीएसई ने इक्विटी डेरिवेटिव पर ट्रांजैक्शन चार्ज में भी इजाफा कर दिया है। इसके अलावा भी कई फाइनेंशियल डेडलाइंस और बदलाव हो रहे हैं जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, जो आपकी जेब पर असर डाल सकती है। आइए नजर डालते हैं इन बदलावों पर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। शेयर मार्केट के 30 शेयरों वाले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर ट्रांजैक्शन चार्जेस 1 नवंबर से बढ़ा दिए हैं। इसका सीधा असर ट्रेडर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स पर पड़ेगा। पहली तारीख से लेन देन पर उन्हें अतिरिक्त पैसा देना होगा। बता दें, नया बदलाव S&P, BSE, सेंसेक्स ऑप्शन पर खासकर तत्काल एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट पर लगाए जाएंगे। ये केवल S&P, BSE, सेंसेक्स ऑप्शंस के लिए ही है। दूसरे इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजैक्शन चार्ज को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिवाइज चार्ज स्ट्रक्चर के तहत 3 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर के लिए अब चार्ज 500 रुपए प्रति करोड़ होगा। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा और 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर के लिए प्रति करोड़ 3,750 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। 100 करोड़ से 750 करोड़ तक के टर्नओवर पर 3,500 रुपए प्रति करोड़, 750 करोड़ से 1,500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले लेनदेन पर 3,000 प्रति करोड़, 1,500 करोड़ से 2,000 करोड़ के लिए चार्ज 2,500 प्रति करोड़ और 2,000 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर पर शुल्क 2,000 रुपए प्रति करोड़ होगा। इस बदलाव का एम चार्ज स्ट्रक्चर को आसान बनाना है और इस सेगमेंट के मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए ट्रांसपेरेंसी में सुधार करना है। वहीं हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी की कीमतों में बदलाव करती हैं। दिवाली से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में जोरदार इजाफा किया है। इस महीने की पहली तारीख यानी कि 1 नवंबर 2023 को बड़ा झटका देते हुए 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 103 रुपए तक का इजाफा किया गया है। फेस्टिवल से पहले गैस की कीमतों में ये बढ़ोतरी कमर्शियल यूजर्स की जेब पर भारी पड़ेगी। इससे पहले 1 अक्टूबर को भी इसके दामों में करीब 200 रुपए का इजाफा किया गया था। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक आज से 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर राजधानी दिल्ली में 1,833 रुपए से मिलेगा, जो कि पहले 1,731 रुपए में मिल रहा था। दूसरे महानगरों की बात करें तो मुंबई में इसकी कीमत बढ़कर 1,785 रुपए 50 पैसे हो गई है, जो कि पहले 1,684 रुपए का था। वहीं कोलकाता में 1,839 रुपए 50 पैसे की जगह अब 1,943 रुपए पर ये बिकेगा, तो वहीं चेन्नई में इसकी कीमत 1,999 रुपए 50 पैसे हो गई है, जो अब तक 1,898 रुपए थी। नवंबर की शुरुआत के साथ अगला बड़ा बदलाव हवाई यात्रियों के लिए हुआ है। जी हाँ, लगातार बढ़ रहे एयर टर्बाइन फ्यूल यानी ATF के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला थम गया है। एक के बाद एक लगातार बढ़ोतरी के बाद 1 नवंबर 2023 को आखिरकार OMCs ने ATF के दाम में 1,074 रुपए प्रति किलोलीटर घटा दिए हैं। बढ़ी हुई कीमतें 1 नवंबर से लागू हो गई है। अगला बदलाव GST से जुड़ा हुआ है। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के मुताबिक 1 नवंबर 2023 से 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का कारोबार करने वाले कारोबारियों को 30 दिनों के भीतर ई चालान पोर्टल पर GST चालान अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये नियम कारोबारियों के लिए 1 नवंबर से लागू हो चुका है। वहीं बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली NCR में 1 नवंबर से BS3 और BS4 डीजल बसों की एंट्री पर बैन किया गया है। PTI के मुताबिक अब दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से आने वाली ऐसी डीजल बसें राजधानी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। अब सिर्फ इलेक्ट्रिक, CNG और भारत स्टेज यानी BS6 बसों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। इन बड़े बदलावों के साथ ही देश में और भी कई नियम बदले गए हैं। इनमें से एक इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर से भी जुड़ा हुआ है। पहली तारीख से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDA ने सभी बीमा धारकों के लिए KYC अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा बैंकिंग से जुड़ी खबर की बात करें तो नवंबर महीने में छुट्टियों की भरमार के चलते 15 दिन बैंक हॉलीडे अनाउंस किया गया है।
आरबीआई की बैंक हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक नवंबर महीने में अलग अलग राज्यों में त्योहारों के अनुसार अलग अलग बैंक हॉलीडे होंगे। हालांकि इन दिनों आप अपने काम ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए निपटा सकते हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।